स्वागत है आपका SWB में। रणदीप हुड्डा का कहना है कि वे बॉलीवुड पार्टियों में शामिल नहीं होते हैं जहां उन्हें खुश रहने की एक्टिंग करना पड़ती है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप आइवरी टॉवर में रहना शुरू कर देते हैं। रणदीप हुड्डा ने मानसून वेडिंग में अपने अभिनय की शुरुआत की और रंग रसिया और सरबजीत में अपनी भूमिकाओं के लिए हिंदी सिनेमा के बायोपिक आदमी के रूप में जाने गए। अभिनेता की आगामी फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर पर है। रणदीप ने बताया कि वो अपने करियर के इस मुकाम पर केवल अच्छी तरह से लिखी गई स्क्रिप्ट की तलाश कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि वो बॉलीवुड पार्टियों और कार्यक्रमों से बचते हैं जहां उन्हें इस खुश ग्लैमरस व्यक्ति होने का नाटक करना पड़ता है जो कि नहीं है जीवन के लिए सच। जब उनसे पूछा गया कि आप हर परियोजना में अलग कैसे दिखते हैं, तब उन्होंने जवाब दिया कि आत्म केंद्रित। मैं आमतौर पर डरा हुआ हूं और विश्वास करता हूं कि मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। इस बार हर कोई महसूस करेगा कि मैं अभिनय नहीं कर सकता। वो मुझे अच्छी स्थिति में रखता है और मुझे अपने प्रदर्शन में फोन करने से रोकता है जैसे कई कलाकार करते हैं। हर दिन ऐसा करना स्वाभाविक हो जाता है। मैं प्रदर्शन करने और सिनेमा के लोगों के आसपास रहने से ब्रेक लेता हूं, जो मुझे एक व्यक्ति के रूप में समृद्ध करता है। इतने वर्षों के लाभ के बाद आपके प्रदर्शन के लिए प्यार और प्रशंसा, आप ऐसा क्यों करेंगे अपने आप को? किसी भी शूट के पहले 3 दिन मुझे लगता है दोबारा करेंगे यार, ये अच्छा नहीं हुआ। आत्मशंका लाभदायक है, आत्मविश्वास उत्कृष्ट है, लेकिन एक अभिनेता के रूप में आत्मसंदेह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको याद दिलाता है कि आप एक इंसान हैं और गलतियां कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स इंडिया ने इसे शेयर किया है।